जय हिंद वन एंड ऑल। नाउ वी आर गोइंग टू टेक टू डिफरेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम टॉपिक दैट वी हैव स्टडीड एरर्स। सो एरर इज वन ऑफ द वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्रू विच वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल ओवर हियर, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ वुड आर टू बी मेजर्ड। लेंथ की वैल्यू गिवन है आपको 12.13 प्लस माइनस 0.02, दैट मींस 0.02 का एरर आ सकता है। ब्रेथ 8.16 प्लस माइनस 0.01, दैट इज द एरर। हाइट 2.34 प्लस माइनस 0.01, अगेन एरर। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ परसेंटेज एरर, आपको वॉल्यूम निकालना है विथ परसेंटेज एरर। एम आई क्लियर? नाउ वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहला हम करेंगे जिन नंबर्स पे हमें फुल रिलायबल है, जिस नंबर्स पे हम फुल्ली रिलायबल है। रिलायबल किस पे है? 12.13 पे रिलायबल है, 8.16 पे रिलायबल है, 2.34 पे रिलायबल है। तो हम लोग इन नंबर्स लिख लिए और हमें ये वैल्यू मिली 231.61 सेंटीमीटर क्यूब। ये सारी वैल्यूज आपकी सेंटीमीटर में दी हुई थी। ओके Now, अब हम लोग को निकालना है कि एरर कितने का आया। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड एरर इन प्रोडक्ट। एरर इन प्रोडक्ट का डेरिवेशन हमने किया है, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो आता है वो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। अगर ए इंटू बी करते हैं आप तो डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। यहां पर क्या है? एल इंटू बी इंटू एच, तीन नंबर्स है L, B, H, that means डेल्टा L by L plus डेल्टा B by B plus डेल्टा H by H। ये जो वैल्यू आएगी ये किसके बराबर होगी? डेल्टा B by B। और अगर हम लोगों को परसेंटेज निकालना है, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव परसेंटेज निकालने का है, तो यहां पे और यहां पे 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा आउटकम आया था एरर इन प्रोडक्ट का, दैट डेल्टा X by X equals to डेल्टा A by A plus डेल्टा B by B फॉर द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वही यहां पे अप्लाई किया गया है। नाउ जब हम डेल्टा एल की बात करेंगे, डेल्टा एल क्या है? एरर। व्हाट एरर? एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एल, एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ बी एंड एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एच। तो हमको क्या मिला है यहां पे? एल के लिए 0.02, बी के लिए 0.01 और एच के लिए 0.01। हमने उसे पुट कर दिया और L, B और H की जो वैल्यूज है हमने पुट कर दी। पुट करके जब हमने सॉल्व किया तो हमारा जो वैल्यू आया वो आया 0.72%। द वैल्यू इज 0.72%। तो हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 231.61 सेंटीमीटर क्यूब जो यहां पे आया है, प्लस माइनस 0.72%। इस वॉल्यूम के कैलकुलेशन में इतने का एरर आ सकता है। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड न्यूमेरिकल, अ फिजिकल क्वांटिटी एक्स। एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास जिसे इस फॉर्मूले से डिफाइन किया गया है, ए स्क्वायर बी क्यूब अपॉन सी अंडर रूट डी। अब ए बी सी डी चार डिफरेंट नंबर्स हैं, चारों डिफरेंट नंबर्स के कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ एरर आया होगा। क्या एरर आया है देखिए, इफ द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए बी सी डी आर 4%, ए के मेजरमेंट में 4% का एरर आया है, बी के मेजरमेंट में 3% का एरर आया है, सी के मेजरमेंट में 2% का एरर आया है और डी के मेजरमेंट में 1% का एरर आया है, तो टोटल परसेंटेज एरर एक्स में कितना आया? ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके रेज्ड टू द पावर का क्वेश्चन। एरर विद रेस्पेक्ट टू रेज टू अ पावर एक डेरिवेशन करवाया था आपको, उस डेरिवेशन का ये न्यूमेरिकल है, उस डेरिवेशन के बेस पे ये एप्लीकेशन दिया गया है। तो उस डेरिवेशन का जो आपका आउटकम आता था वो आउटकम क्या था? आउटकम था पावर में जो भी रहेगा वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर में क्या है? ए के पावर में 2 देखिए यहां आपके मल्टीप्लाई हो गया 2 डेल्टा ए बाई ए। और ये हम लोग हमेशा जानते हैं कि अगर आपका मल्टीप्लाई है तो भी आपका डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी होगा,
अगर आपका डिवाइड है तो भी आपका डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी ही आएगा। पावर में जो है बस वो आपके मल्टीप्लाई हो गया, पावर में क्या है टू, टू आपके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। बी के पावर में कितना है थ्री, थ्री आपके यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कर रहे हैं बिकॉज वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर, वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। सी के पावर में क्या है वन, वन इंटू डेल्टा सी बाई सी, और डी अंडर रूट डी का मतलब क्या होता है, डी के पावर में हाफ, तो देखिए हाफ डेल्टा डी बाई डी। परसेंटेज एरर कहा है, परसेंटेज एरर यहां पे 100 से मल्टीप्लाई किया और यहां पे 100 से मल्टीप्लाई किया। क्वेश्चन में जो प्रोवाइडेड है चारों डिजिट में जितना परसेंटेज एरर आया है वो हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। दैट मींस हम डेल्टा ए बाई ए, इस 100 का मतलब क्या है, ये 100 इससे मल्टीप्लाई होगा, 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 यही मतलब होता है। अगर हम पूरे के साथ 100 मल्टीप्लाई किए हैं दैट मींस 100 जो है वो इंडिविजुअली सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। फॉर दैट डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 दैट इज द परसेंटेज एरर इन ए, डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन बी, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन सी, एंड डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 परसेंटेज एरर इन डी। तो ए बी और सी एंड डी का वैल्यूज यहां प्रोवाइडेड है 4, 3, 1, 1, हमने बस वैल्यूज रख दिया, मल्टीप्लाई किया एंड फाइनली वी गॉट दिस आंसर। तो ये हमारा परसेंटेज एरर है इन डेल्टा एक्स बाई एक्स। तो इस तरीके का, इस प्रोसीजर का ध्यान रखिएगा, इस प्रोसीजर के हेल्प से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विदाउट जंपिंग एनी स्टेप, क्योंकि स्टेप जंप करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका मार्क्स कटेगा। फॉर ईच स्टेप यू जंप 0.5 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, सो प्लीज बी पेशेंट ड्यूरिंग सॉल्विंग द एग्जाम क्वेश्चन, ड्यूरिंग एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपने आप को पेशेंट रखिएगा, काम रखिएगा, विदाउट जंपिंग द स्टेप आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।